नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विश्व के भूगोल के बारे में तीन टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी। उनके बारे में जाना था, ब्रह्मांड, निहारिका और सौरमंडल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनके आगे के टॉपिकों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सूर्य और विभिन्न प्रकार के ग्रहों। दोस्तों, सूर्य मैंने पहले ही बताया था, सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रधान ग्रह, मतलब सबसे प्रधान है, ठीक है ना, मैन है। ये हमारी जो निहारिका है उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, एक कोने एक छोर पर स्थित है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.5 गुणे 10^12 किलोमीटर। तो 30,000 प्रकाश वर्ष बराबर, देखिए जैसे ये देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया है, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये 9.5 गुणे 10^12 किलोमीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष ना। तो 30,000 प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 9.5 गुणे 10^12 गुणे 30,000, तो कितना हो जाएगा, 28.5 गुणे 10^16 किलोमीटर। यह दुग्ध मेखला, यह जो हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी है, उसके केंद्र से 250, मतलब उसके केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से परिक्रमा कर रहा है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मिनट के हिसाब से समझना चाहें तो 12,500 किलोमीटर पर मिनट निहारिका के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। याद रखिएगा, सूर्य निहारिका के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ना कि निहारिका के चारों ओर, ठीक है। अब देखिए, हाँ, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य स्थिर है और हमारी पृथ्वी निहारिका के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने के साथ साथ ये निहारिका के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है, ठीक। सूर्य, हाँ देखिए, सूर्य एक गैसीय गोला है, मतलब सूर्य में कोई कण, मिट्टी, धूल कण, मतलब इस तरह कुछ नहीं है। यह एक गैसीय गोला है, इसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% जो बचा उसमें अन्य तत्व है। यह इसका जो केंद्र का ताप है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके केंद्र का ताप कितना है, 1.5 × 10^7 डिग्री सेल्सियस। हैंस बेथ ने बताया कि ये जो सूर्य का ताप है 10 डिग्री सेल्सियस, वो किसके कारण होता है, किस क्रिया के कारण होता है, तो वो होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण। दोस्तों, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। विखंडन में क्या होता है, एक तत्व या एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक नाभिक संलयित, मतलब जुड़कर क्या बनाते हैं, एक नया नाभिक या एक नया तत्व बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है सूर्य में, कि इसमें दो या दो से अधिक, तो इसमें चार हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं। आप सोच सकते हैं कि चार हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर एक हीलियम का परमाणु बनता है, मतलब कितनी ज्यादा उसमें वो कितनी ज्यादा उसमें उत्सर्जित करता होगा, है ना। इसी के कारण क्या होता है, सूर्य का ताप इतना ज्यादा होता है, उसके केंद्र का ताप इतना ज्यादा होता है, उसकी सतह तक का ताप 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, जो सूर्य के जो दीप्तिमान सतह होती है, मतलब जो चमकदार सतह होती है जो हमको दिखती है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट भी कर सकते हैं, आगे जो टॉपिक है, पॉइंट है, सूर्य की उम्र। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन है। और भविष्य में सूर्य द्वारा प्रकाश ऊर्जा, जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित करने का समय, तो देखिए वैज्ञानिकों ने इसका जो समय बताया है वो बताया है 10^11। ये किस आधार पर बताया है, कि सूर्य पर कितने तत्व, मतलब उस पर जो मौजूद तत्व तो है हाइड्रोजन हीलियम, वो कितनी मात्रा पर है, उसकी जो देने की ऊर्जा देने की क्षमता है, उसमें देने की क्षमता है वो कितनी है, उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने जिसका समय निकाला वो कितना है, 10^11। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों, याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगर इसी को फिजिक्स में बोल दिया जाए तो 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, सूर्य पर क्या होता है, सूर्य की सतह पर काले काले रंग के धब्बे बन जाती हैं। ये किस कारण से होते हैं, ये उसका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये होता क्या है, इसमें इसका जो चक्र काल होता है वो 22 वर्षों का होता है। कैसे, ये 11 वर्षों तक बढ़ता है इसका काला धब्बा और फिर 11 वर्षों के बाद घट जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। इसके काले धब्बे बनने से होता क्या है, काले धब्बे बनने से ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो चुंबकीय, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थोड़ी
डिस्टर्ब हो जाता है ना, चुंबकीय पृथ्वी पर क्या हो जाता है, चुंबकीय झंझावात आ जाता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो हमारे रेडियो टेलीविजन के जो सिग्नल है, चुंबकीय सुई है, वो विक्षेपित हो जाती है, रेडियो टेलीविजन के सिग्नल है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सूर्य का व्यास, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकती हैं, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। अगर देखिए दोस्तों, इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, सूर्य का व्यास कितना है, अगर पूछता है सूर्य का व्यास कितना है तो 13,92,000 किलोमीटर है, अगर पूछता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है तो 110 गुना है, और अगर पूछता है कि सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य में जितनी ऊष्मा है जितना वो है, तो हमारी पृथ्वी पर कितना पहुंचता है उसका हिस्सा, उसका 2/1 हिस्सा पहुंचता है। मतलब अगर सूर्य पर जितना भी प्रकाश है उसका 1/2 अरब हिस्सा हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है ऊष्मा का। ठीक है, चलिए अब देखिए, हाँ अब हम आते हैं इस टॉपिक पर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में वैज्ञानिक मानते थे कि जो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है वो क्या है, पृथ्वी। क्यों मानते थे, क्योंकि देखिए उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी नहीं, और इसका एक और कारण है। देखिए होता क्या है, हमारी जो चंद्रमा है और सूर्य है वो दोनों देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हों, उसके चार ओर घूम रहे हों। इससे वैज्ञानिकों ने ये दिमाग लगाया, और चूंकि हम पृथ्वी में रहते थे, हम स्पेसशिप के बाहर कहीं जा नहीं पाए थे अपने सौरमंडल के बाहर, तो वैज्ञानिकों ने ये दिमाग लगाया था कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, पृथ्वी है। उसके बाद जब स्पेसशिप सौरमंडल के बाहर गए, जब उससे चित्र आए और वैज्ञानिकों ने देखे कि पृथ्वी खुद सूर्य के चार ओर चक्कर लगा रही है, तो वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाया कि जब पृथ्वी सूर्य के चार ओर चक्कर लगा रही है तो ब्रह्मांड का सेंटर क्या हुआ, सूर्य हुआ। फिर जब बाद में क्या हुआ, जब स्पेसशिप हमारी निहारिका के भी बाहर चला गया, जो दुग्ध मेखला निहारिका हमारी मिल्की वे, उसके बाहर जब स्पेसशिप गए, उसके बाद जब उन्होंने तस्वीर वहां से भेजी जिससे हमारे पता चला कि हमारी निहारिका सर्पिलाकार है, उससे क्या पता चला कि सूर्य निहारिका जो हमारी निहारिका है उसके सेंटर पर स्थित नहीं है, उसके एक छोर पर स्थित है। उसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक छोर पर स्थित है। तब वैज्ञानिकों ने, तब जो सूर्य की गौरव प्राप्त था कि वो ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है, वो गौरव उसे छीन लिया गया, और उसके बाद सूर्य सेंटर ब्रह्मांड का सेंटर नहीं रहा। एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं सूर्य, अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो था जैसे हमने शुरू में बताया था कि हम आज दो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, एक सूर्य और दूसरा विभिन्न प्रकार के ग्रह। तो सूर्य टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक कौन सा है, विभिन्न प्रकार के ग्रह। तो विभिन्न प्रकार के ग्रह सब किस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, सौरमंडल के पिंड। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार जो सौरमंडल के पिंड होते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह, और तीसरा जो है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रह में कौन आते हैं, जो सबको पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश में अगर बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बौने ग्रह की श्रेणी में, तो बौने ग्रह की श्रेणी में कौन आते हैं, सीरस, चिरॉन और प्लूटो। और अगर लघु सौरमंडलीय पिंडों की बात करें तो उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु। अब आते हैं ग्रह, कि ग्रह कौन कहलाते हैं, ग्रह के लिए शर्तें क्या हैं, क्या शर्तों के पालन करें कि उस आकाशीय पिंड को ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। तो ग्रह भी आकाशीय पिंड हैं, जो कौन कौन सी शर्तों का पालन करते हैं, तो निम्न शर्तों का पालन करते हैं, पहला कि वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें, दूसरा उनका गुरुत्वाकर्षण बल खुद इतना मजबूत हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या हो, गोल पिंड आकाशीय पिंड के रूप में हो, तीसरा वो किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटें, परिक्रमण कक्षा जो होती है उनकी, उस कक्षा को ना काटें, और चौथा ये है कि उस ग्रह के आसपास कोई अन्य आकाशीय पिंड ना हो। अगर ये शर्तों का पालन कोई आकाशीय पिंड कर रहा है तो उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आते हैं हम पार्थिव ग्रह। अब देखिए जो ग्रह होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक पार्थिव ग्रह और दूसरा बृहस्पति ग्रह। पार्थिव ग्रह जिसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं हिंदी, वो इंग्लिश में इनर प्लैनेट, और जो बृहस्पति ग्रह है उनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं इंग्लिश में आउटर प्लैनेट। तो पार्थिव ग्रह किन्हीं कहते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है, इनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है। पृथ्वी के समान मतलब कैसे, जिनमें धूल के कण हैं, मिट्टी है, ठीक है। ये 4 ग्रह कौन है, प्रथम 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बृहस्पति ग्रह कौन कहलाते हैं, जिनकी संरचना बृहस्पति के समान है, अर्थात जो गैसीय पिंड है, ये कौन कौन, अंतिम 4 बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखिए दोस्तों, हाँ एक जो मैं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते, दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, क्या कि जो शुरू के आप ग्रह गिनती कर लीजिए, पृथ्वी को ना लीजिए क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो उसको तो देखने का सवाल पैदा नहीं होता, बाकी आप लाइन से गिनती कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी में तो हम रहते हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और शनि। हाँ
ये जो पांच ग्रह हैं इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी दूरदर्शी टेलीस्कोप की सहायता से। बुध, शुक्र, पृथ्वी तो जैसे रहती है तो उसकी ठीक उसकी कोई गिनती नहीं है, तो बुध शुक्र दो हुए, फिर बृहस्पति, मंगल और शनि, ये पांच ग्रह ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो आकार के आधार पर कैसे कि कौन आकार में सबसे छोटा है और कौन आकार में सबसे बड़ा है। तो आकार में सबसे छोटा कौन है? बुध। और सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। अगर हम बात करें घनत्व के आधार पर, घनत्व मतलब किस कौन सघन है कौन विरल है, तो घनत्व के आधार पर सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। और सबसे अधिक घनत्व किसका है? शुक्र का। अब आते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर। दूरी कैसे कि कौन सूर्य से पास में स्थित है कौन सूर्य से दूर स्थित है। तो सबसे पास कौन स्थित है? जो श्रेणी है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब सबसे पास कौन स्थित है? बुध। और सबसे दूर कौन स्थित है? वरुण। फिर आते हैं हम परिक्रमण वेग के आधार पर। वेग से मतलब वेग से आशा है स्पीड कि वो जो परिक्रमा करने की उसकी गति है वो कितनी तेज है। तो वेग के आधार पर कैसे कौन जल्दी पर मतलब किसकी परिक्रमा करने की स्पीड तेज है और किसकी धीमी है। तो याद रखिए दोस्तों, चूंकि बुध सबसे पास में है इसलिए उसकी स्पीड सबसे कम है और वरुण सबसे दूर में है इसलिए उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। फिर हम अब देखिए, हाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जो अन्य ग्रह है, जैसे हमने अभी बताया था कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक उसी तरह जो शुक्र और अरुण है, याद रखिएगा जो उनका क्रम है आठ है ग्रहों का कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो पहले से दूसरा शुक्र और लास्ट से दूसरा अरुण, ये दोनों ही अपनी कक्षा में कैसा घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी अन्य जो छह ग्रह बचे, हमारी पृथ्वी भी उसमें शामिल है, अन्य जो छह ग्रह बचे वो कैसे बचे, वो कैसा घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब ये जो ग्रह है शुक्र और अरुण, इनकी दिशा क्या हुई? क्लॉकवाइज। क्या हुई इनकी दिशा? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। इस कारण होता क्या है, जो शुक्र और अरुण हैं, इन दोनों ग्रह से अगर आप सूर्य को देखें तो सूर्य इन ग्रहों में पश्चिम दिशा में उदय होता है और पूर्व दिशा में अस्त होता है। हमारी पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सूर्य हमारे यहाँ पर पूर्व में उदय होता है और पश्चिम अस्त होता है। शुक्र और अरुण इसके जस्ट विपरीत घूमते हैं इसलिए इसमें क्या होता है, सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है और पूर्व दिशा में अस्त होता है। हाँ दोस्तों, आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ। क्या होता है कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई टॉपिक के बारे में चर्चा करती है, हो सकता है उसके बारे में मतलब टॉपिक चर्चा कर चुके हैं या इस वीडियो में, आपको किसी भी वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है या समझ में नहीं आता उस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नहीं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।